भूषण ज्वेलर्स। खाना बनाने वाली एक महिला द्वारा टोनी देवी पुलिस चौकी के सब इंस्पेक्टर पर बुरी नजर से देखने और उनके व्यवहार को लेकर लगाए गए आरोप को टपेरे पंचायत की महिला मंडल ने झूठ बताया है। इस मामले को लेकर महिलाओं का एक प्रतिनिधि मंडल सब इंस्पेक्टर के पक्ष में उतरा है और उन्होंने SP डॉक्टर आकृति शर्मा से मिलकर इस सारे मामले की निष्पक्ष जाँच की मांग की है। महिला मंडल का आरोप है कि बिना सही ढंग से जाँच किए सब इंस्पेक्टर का वहाँ से दूसरी जगह पर तबादला कर दिया गया है जो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि सब इंस्पेक्टर ने आरोप लगाने वाली महिला को सिर्फ इतना कहा था कि वह ठंडा खाना देने की बजाय खाना प्रॉपर ढंग से गर्म करके दिया करे। इसी बात से महिला भड़क गई और उसने सब इंस्पेक्टर पर कई तरह के झूठे आरोप लगा दिए हैं। इलाके के लोग सब इंस्पेक्टर और उनके व्यवहार को अच्छे ढंग से जानते हैं। उनकी कार्यप्रणाली भी लोगों के प्रति काफी अच्छी है। उन्हें बेवजह तंग करने के लिए यह आरोप लगाए गए हैं। पुलिस प्रशासन इस सारे मामले की निष्पक्ष जांच करे ताकि सच्चाई सामने आ सके। जो टोनी देवी के SI सर हैं उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हुए हैं क्योंकि वो असहनीय हैं। क्योंकि कल SI सर ने हमें बुलाया था, वहीं पे उन्होंने बताया कि ये जो महिला है जो खाना बनाने का काम करती है उनको बोले, मैंने बोला जैसे वो सुबह 8 बजे आती थी और दोपहर का लंच भी वो बना के चले जाती थी। इस करके बोले, मैंने बोला कि ठंडा खाना मत बनाया करो और खाना जो वो ताज़ा बनाया करे। इस करके उसने उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए। किस प्रकार के आरोप लगाए? आरोप ये लगाए कि ये जो हमारे SI है इनकी नज़र ठीक नहीं है, ये मुझे अच्छे नहीं लगते। आज किसको भी ज्ञापन देने आए हैं आप? आज हम DC सर को भी आए हैं ज्ञापन देने और यहाँ पे SP मैम है उनको भी देने आए हैं। क्योंकि SP मैम ने बिना जांच पड़ताल किए सर की उनकी जो SI सर है उनकी ट्रांसफ़र कर दी। और SI सर जो है वो महिलाओं के प्रति, यहाँ जितनी भी हमारी पंचायतें हैं हमारी महिला मंडल आए हैं इनके प्रति उनका बहुत अच्छा व्यवहार है। जान चाहते हैं जी हम, और जो गलत है उसको सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि देखो सरकार ने महिलाओं और पुरुषों का एक बराबर स्थान दिए, लेकिन अगर महिलाएं ऐसे ही किसी पुरुष के ऊपर आरोप लगाती रही तो महिला और पुरुषों में ये मतभेद बना रहेगा। हम नहीं चाहते कि ऐसे गंभीर आरोप लगते रहें और पुरुष जो हैं वो समाज की नज़रों में गिरते रहें। जय हिंद। ब्यूरो रिपोर्ट, EN TV।